बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और उसका लेक्चर नंबर हमारे पास है लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करना जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ अलाइड एंगल्स। ठीक है, अलाइड एंगल्स क्या होता है पहले ये हम देखते हैं, उसकी डेफिनेशन मैं पहले लिखने लगा हूँ। दी एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स, ठीक है, द एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा टू आर राइट एंगल और इट्स मल्टीपल, यानी कि या राइट एंगल के एसोसिएट हों या फिर उसके मल्टीपल हों और इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। ठीक है, मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ। दी एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स, यानी कि जो राइट एंगल होता है जिसे हम पाई बाय टू कहते हैं या फिर 90 डिग्रीज कहते हैं, उससे एसोसिएट हो वो एंगल या फिर उससे जो उसके मल्टीपल्स हों, राइट एंगल के मल्टीपल्स हों, पाई बाय टू का मल्टीपल, यानी कि पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई बाय 2 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से पाई बाय टू के मल्टीपल एंगल्स और फिर उससे एसोसिएटेड एंगल्स जो होते हैं उनको अलाइड एंगल्स कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसा कि हो सकते हैं, कौन कौन से एंगल्स हो सकते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, और 90 का मल्टीपल 180 प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा 270 प्लस माइनस थीटा और इसके अलावा 360 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 के मल्टीपल्स हैं सारे, 180, 270 और 360। इससे एसोसिएट जो बेसिक एंगल्स कर रहे होते हैं उनको कहा जाता है अलाइड एंगल्स, ये अलाइड एंगल्स हैं। अच्छा, अब अलाइड एंगल्स तो हमने देख लिया, अब हम इन जो हमारे पास फंडामेंटल लॉ था, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था, वो भी लिख देता हूँ। वो क्या था हमारे पास, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमारे पास है लॉ ऑफ फंडामेंटल लॉ जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो इससे डिडक्शन करके हमने बहुत से यानी कि आइडेंटिटीज़ हमने फाइंड की हैं, प्रूव की हैं। तो वो आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं वो मैं लिख देता हूँ। साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा के, इसके अलावा इसी तरह से कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इक्वल होता है किसके, साइन ऑफ थीटा के, और टेंजेंट का ले लें, टेंजेंट ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा, टेंजेंट ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा के, और साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा की बात करें तो क्या होता है, साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस थीटा के, और कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस साइन थीटा के, और टेंजेंट ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस कॉट थीटा के। अब आप इसमें देख सकते हैं कि साइन, जब एंगल हमारे पास क्या होगा, पाई बाय टू माइनस थीटा, ठीक है, यानी कि 90 में से हम माइनस कर रहे होंगे कोई एंगल, तो उसका साइन लेंगे तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस लेंगे तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है, और टेंजेंट लेंगे तो वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम जब माइनस करेंगे पाई बाई टू में से एंगल, तो वो साइन कॉस में कॉस, साइन में टेंजेंट कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम पाई बाई टू प्लस थीटा करें, ठीक है, पहले तो हमने पाई बाई टू माइनस थीटा की बात की थी, पाई बाई टू प्लस थीटा करें तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, और टेंजेंट माइनस कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी डिडक्शंस जो हैं ये हम फंडामेंटल लॉ से कर सकते हैं, की भी हैं हमने। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम पाई बाई टू के बाद पाई की बात करें, यानी कि पाई जो है वो पाई बाई टू का मल्टीपल है, तो हमने अलाइड एंगल्स की बात की थी। अलाइड एंगल्स वही होते हैं जो यानी कि बेसिक एंगल्स एसोसिएट कर रहे होते हैं किससे, पाई बाई टू या उसके मल्टीपल से। तो पाई की बात करते हैं, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा के इक्वल ही होता है। और कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉज ऑफ थीटा के इक्वल हो जाता है। ठीक है, माइनस साइन बार साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। और टेंजेंट की बात भी आप करें, टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा ये भी माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने पाई माइनस थीटा देख लिया, अब हम पाई प्लस थीटा को भी देख लेते हैं, उसमें रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है माइनस साइन थीटा के, ठीक है, इसके ऑपोजिट है। पाई माइनस थीटा जब हमने यूज़ किया था तो पॉजिटिव साइन थीटा था, जब पाई प्लस थीटा हमने यूज़ किया तो हमारे पास रिजल्ट में माइनस साइन ऑफ थीटा आया। इसी तरह से कॉस का भी देख लेते हैं, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा, यानी कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बेशक पाई माइनस थीटा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा आप यूज़ करें या कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, माइनस कॉस ऑफ थीटा आएगा। और टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है, पहले टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा क्या का रिजल्ट क्या आया था, माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा, और टेंजेंट ऑफ पाई प्लस थीटा का क्या रिजल्ट आया, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव हो गया। अच्छा, और ये तो हो गया पाई, जो कि पाई बाई टू का मल्टीपल है, पाई बाई टू को अगर टू से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास पाई आता है। ठीक है, अब हम एक और मल्टीपल की बात करते हैं जो कि थ्री पाई बाई टू है, यानी कि पाई बाई टू को थ्री से मल्टीप्लाई करो तो थ्री पाई बाई टू होता है, जो कि 270 डिग्रीज होता है। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में देख लेते हैं क्या 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 उसके रिजल्ट्स आते हैं। साइन ऑफ थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा वो इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा के, कॉस ऑफ थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के, माइनस साइन ऑफ थीटा के। ठीक है, इसी तरह से टेंजेंट ऑफ थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा के, पॉजिटिव कॉट थीटा के। ये हमने थ्री बाई टू माइनस थीटा, जिस तरह से हम ऊपर भी देखते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा, उसके बाद हमने देखा पाई बाई टू प्लस थीटा। ठीक है, अब इसी तरह से हम यहाँ पे भी थ्री बाई टू माइनस थीटा के लिए हमने एंगल के लिए देखा है, थ्री पाई टू प्लस थीटा के लिए भी हम सब क्या देख लेते हैं, साइन कॉज और टैन का। ठीक है, रिजल्ट देखेंगे हम। तो साइन ऑफ थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस कॉज ऑफ थीटा के, और कॉज ऑफ थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा का रिजल्ट क्या होगा, साइन ऑफ थीटा के इक्वल होगा। और इसी तरह से टेंजेंट ऑफ थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा वो इक्वल होगा माइनस कॉट थीटा के, ये डिफरेंस आता है इनमें। ठीक है, आप यहाँ पर देखें टेंजेंट ऑफ थ्री पाई टू माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा के, जबकि हमने एंगल चेंज किया प्लस माइनस थीटा को प्लस थीटा कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट में माइनस कॉट थीटा रिजल्ट आया। ठीक है, तो इसी तरह से आप अगर देखते हैं टू पाई, ठीक है, ये तो हो गया पाई टू को थ्री से मल्टीप्लाई करो थ्री पाई टू आता है। ठीक है, तो अब हम एक और मल्टीपल देखते हैं कि हम पाई बाय
2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 पाई आता है। ये भी मल्टीपल है ऑफ 90 डिग्री या राइट एंगल का, ठीक है। तो इसके रिजल्ट्स भी हम देख लेते हैं। साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, इसका रिजल्ट आएगा माइनस साइन थीटा। और कॉस को भी देख लेते हैं। कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और टेंजेंट ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल होगा माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा के, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 2 पाई के लिए रिजल्ट्स आए हैं, 2 पाई माइनस थीटा के लिए। इसी तरह से हम 2 पाई प्लस थीटा के लिए भी देख लेते हैं रिजल्ट्स। साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस साइन थीटा के, ठीक है। तो बल्कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। पहले हमने जो 2 पाई माइनस थीटा के लिए देखा था माइनस साइन थीटा आया था, अब हम 2 पाई प्लस थीटा के लिए देख रहे हैं तो इसका रिजल्ट साइन ऑफ थीटा के इक्वल आएगा। और कॉज ऑफ 2 पाई प्लस थीटा के लिए आप अगर देखें तो वो इक्वल आएगा पॉजिटिव कॉस थीटा। आप अगर देखें पहले भी नोट करें तो टू पाई माइनस थीटा, प्लस थीटा हम यूज़ करें या माइनस थीटा यूज़ करें, कॉस पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कॉस हमेशा सेम रहता है, हमेशा नहीं यानी कि मैक्सिमम हम उसको कह सकते हैं वो सेम रहता है। जिस तरह से इसको एग्जांपल ले लें कि कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा हम ले रहे हैं उसका रिजल्ट भी कॉस थीटा आ रहा है, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा ले रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी कॉस ऑफ थीटा आ रहा है। और पिछले में आप देखें तो पिछले में फ़र्क पड़ा था, ठीक है, 3 पाई बाई 2 के केस में, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा और प्लस थीटा के केस में। और इसमें आप देखें इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, पाए की केस में पाए माइनस थीटा लिया था तो भी माइनस कॉस थीटा आया था, पाए प्लस थीटा लिया था तो भी माइनस कॉस थीटा ही रिजल्ट आया था। और पाए बाई 2 के केस में क्या आया था हमारे पास रिजल्ट, पाई बाई 2 के केस में भी इस पे कॉस पे फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि कॉस ऑफ बल्कि यहाँ पर पॉजिटिव हो गया था और जब हमने एंगल पॉजिटिव किया था तो ये नेगेटिव हो गया था, ठीक है। तो इस केस में जो 2 पाई का केस हम देख रहे हैं तो इसमें दोनों जो रिजल्ट्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, कॉस के केस में। अच्छा, अब एक और रह गया टेंजेंट के लिए। टेंजेंट ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ये सब के सब जो डिडक्शंस हैं ये हम डिडक्ट कर सकते हैं फंडामेंटल लॉ से, ठीक है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा हमने शुरू में डिस्कस किया था, इस लेक्चर के शुरू में भी और इस चैप्टर के शुरू में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उस लॉ से ये सारी डिडक्शंस हम कर सकते हैं और कुछ डिडक्शंस हमने 10 डिडक्शंस हमने पिछले लेक्चर में जो की हैं वो उसी से की हैं और ये सब की सब भी हम उससे डिडक्ट कर सकते हैं। अब ये सब की सब डिडक्शंस जो हैं इनके रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, आप समझ के याद करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो सकते हैं ये। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू कर दूं कि हमने इस लेक्चर में किया क्या है। हमने यहाँ पर सबसे पहले अलाइड एंगल्स देखे कि अलाइड एंगल्स होता क्या है। अलाइड एंगल्स हमने देखा कि क्या होता है कि वो एंगल्स जो कि एसोसिएट कर रहे होते हैं राइट एंगल्स या फिर राइट एंगल्स के मल्टीपल्स के साथ, यानी कि राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री या 90 डिग्री के मल्टीपल्स कौन से होंगे, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, और इससे एसोसिएट किस तरह से कर रहे होंगे बेसिक एंगल्स, यानी कि उसमें 90 डिग्री में प्लस हो रहा हो कोई एंगल या माइनस हो रहा हो, या फिर 180 में कोई प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो एंगल, ठीक है, या फिर 270 में प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, 360 में प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो। तो ये चारों के चारों हमने एंगल्स देखे हैं साइन कॉज और टेंजेंट के केस में, ठीक है। साइन के केस में देखा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा देखा इज इक्वल टू साइन थीटा, और टेंजेंट के लिए भी देखा। फिर उसके बाद हमने प्लस के लिए देखा, ठीक है, प्लस के लिए रिजल्ट देखे यानी कि 90 प्लस थीटा के लिए,
और इसी तरह से 180 के केस हमने लिया, उसमें भी तीनों हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ लिए हैं, साइन, कॉस और टैन, ठीक है, और नेगेटिव के लिए, माइनस थीटा के लिए भी, प्लस थीटा के लिए भी। इसी तरह से नेक्स्ट में हमने जो है वो 270 लिया, और उससे नेक्स्ट में हमने 360 डिग्री एंगल लिया जो कि 90 के मल्टीपल्स हैं ये सारे, ठीक है। तो अलाइड एंगल्स का हमने रेशियोज़ देखी हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ देखी हैं, साइन, कॉस और टेन, प्लस थीटा के केस में भी और माइनस थीटा के केस में भी। यहाँ पर इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है इसको मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे।